Very good morning, students. Once again, I welcome you all for the online lecture series on railways, airports, and waterways. So this will be the part two of the lecture five, in the continuation to the lecture five, that is sleepers. So let us have a look of the recap of the lecture five, part one. So till now we have covered introduction to sleepers and the function of the sleepers, and the requirements of the sleepers, and the classifications of the sleepers, and in that classification, particularly we have covered one of the sleeper, that is the wooden sleeper, and what are the treatment of the wooden sleepers, also we have covered it. Now, moving toward the second type of the, sleepers, the second type of the classification of the sleeper, right? So, student, in this lecture 5, this lecture 5 was actually comprised of the sleeper, and this was further divided into part 1 and part 2, right? So in part 1, till now we have covered what is the definition of the sleeper. Definition has been covered. Uske baad humne dekha ki what is the function of the sleeper, okay? Function dekh liya, then humne dekh liya requirements for an ideal sleeper. ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ द स्लीपर. क्लासिफिकेशन बेसिकली थ्री टाइप्स का है, वुडन स्लीपर, राइट, वुडन स्लीपर, मेटल स्लीपर एंड कंक्रीट स्लीपर. सो द एंटायर पार्ट ऑफ द वुडन स्लीपर वी हैव कवर. वुडन स्लीपर में हमने क्या क्या कवर कर लिया है, हमने देखा उसके सेलियंट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स, ठीक है, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी और हार्डनेस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उसकी सुटेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, उस इंपेरिकल फॉर्मूले को भी हमने देख लिया और क्या वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंट ट्रैक के लिए, क्रॉसिंग के लिए और ब्रिज स्लीपर के लिए, वो भी हमने एक स्पेसिफाइड वैल्यू को देख लिया. उसके बाद हम जो वुडन स्लीपर होता है उसकी एक प्रॉब्लम होती है जैसे डीके की, तो उसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, प्रिजर्वेटिव कैसे उसमें यूज करते हैं, इसके बारे में भी हमने देख लिया, राइट. अब हम बात करेंगे मेटल स्लीपर की. तो इस लेक्चर की स्टार्टिंग हम करेंगे मेटल स्लीपर से. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ लुक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मेटल स्लीपर. ओके, मेटल स्लीपर्स, अगर हम मेटल स्लीपर्स की बात करें तो दीज आर इधर स्टील और कास्ट आयरन, mostly the cast iron since it is less prone to the corrosion. ठीक है, अब आपका जो metal sleeper है, metal, दो metals का बना होता है basically. कौन सा, पहली चीज तो ये देखो कि दो metals कौन से होते हैं, use होते हैं इसमें, steel और cast iron. ठीक है, steel और cast iron, तो दो metals होते हैं, steel और दूसरा होता है cast iron. लेकिन mostly हम cast iron का use करते हैं. क्यों? क्योंकि जो स्टील है उसके साथ एक सबसे बड़ा डिफेक्ट है, इट इज वेरी प्रोन टू दी करोजन, राइट, बट योर कास्ट आयरन इज लेस प्रोन टू दी करोजन. तो ये जो करोजन का पार्ट है, इस पार्ट को, ये जो आपका कास्ट आयरन है उस डिफेक्ट को मिनिमाइज कर देता है. तो हम स्टील और कास्ट आयरन में से कास्ट आयरन को चूज करते हैं फॉर द मेटल स्लीपर्स. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. मेटल स्लीपर्स, रॉ मटेरियल कौन से दो होते हैं, या तो स्टील या तो कास्ट आयरन, और उन दोनों में से किसको हम प्रेफरेंस देते हैं, कास्ट आयरन को. क्यों? बिकॉज़ इट इज लेस प्रोन टू दी करोजन. ठीक है, अब दूसरी पार्ट जो है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेटल स्लीपर. ठीक है, एक मेटल स्लीपर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सो दैट वी कैन कॉल इट एज एन आइडियल मेटल स्लीपर, राइट. फॉर दैट it should be capable of resisting the tensile and compressor stress due to the moving load. ठीक है, तो सबसे पहला requirement आपका ये है कि आपकी moving load की वजह से उस sleeper को tensile और compressor stress को resist करने की capability होनी चाहिए. तो it should be designed in such a way that it should be capable of resisting the टेंसाइल एंड कंप्रेशन स्ट्रेस. अब आपका किसी भी स्लीपर पे, देखो रेल के नीचे होता है स्लीपर,
तो जब उस पर मूविंग लोड पास होता है तो उसकी वजह से टेंसाइल और कंप्रेशन स्ट्रेस क्या होंगे, डेवलप होंगे। तो उस टेंशन को, उस कंप्रेशन को हमको रेजिस्ट करना एक सबसे बड़ा मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो उस टेंसाइल और कंप्रेशन स्ट्रेस को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए एक अच्छे मेटल स्लीपर में, ठीक है। ये हो गई उसकी रिक्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे कास्ट आयरन स्लीपर की। तो कास्ट आयरन स्लीपर, ये पता चल गया कि हम उसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड वाइडली यूज इन द इंडियन रेलवे सिनेरियो, ठीक है। अब कास्ट आयरन के टाइप्स भी हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। पहला है पॉट और बाउल स्लीपर, ठीक है, पहला है पॉट और बाउल स्लीपर। दूसरा है प्लेट स्लीपर, तीसरा है बॉक्स स्लीपर, चौथा है CST9, दैट इज सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल स्लीपर, और पांचवा है रेल फ्री ड्यूप्लेक्स स्लीपर, ठीक है। तो कास्ट आयरन स्लीपर्स को हमने फर्दर डिवाइड किया, पॉट और बाउल स्लीपर, प्लेट स्लीपर, बॉक्स स्लीपर, CST9 मतलब सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल स्लीपर एंड रेल फ्री ड्यूप्लेक्स स्लीपर, ठीक है। अब एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि मेटल स्लीपर क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या होती है, और जो दो मेटल स्लीपर्स हैं उनमें से जो एक मेटल स्लीपर को हम वाइडली यूज करते हैं, एक्सेप्टेड है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एक एक मेटल स्लीपर्स की जो क्लासिफिकेशन हमने की है उसके एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहला है पॉट और बाउल स्लीपर। तो अब देखते हैं कि पॉट और बाउल स्लीपर होता क्या है, उसकी फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉट और बाउल स्लीपर्स को अगर हम देखें, वी विल टॉक अबाउट द पॉट और बाउल स्लीपर्स। सो दे कंसिस्ट ऑफ टू बाउल्स प्लेस्ड इनवर्टेड ऑन द बैलेस्ट, ठीक है। तो इसका शेप कैसा होता है, इनवर्टेड टाइप, ठीक है, इनवर्टेड इनवर्टेड होता है, ठीक है, उल्टा, ओके। दे कंसिस्ट ऑफ टू बाउल प्लेस्ड इनवर्टेड ऑन द ब्लास्ट, मतलब दो बाउल को इनवर्ट शेप में हम बैलेस्ट पे रख दिए, वही हो गया पॉट और बाउल स्लीपर। देखो नेम से ही इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो हमें पता चल रहा है, क्या, पॉट और बाउल मतलब कटोरे टाइप का। अब वो कटोरा क्या हुआ, दो बाउल हमने यूज किया, और उसको हमने प्लेस कैसे किया वो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, उसका प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम बैलेंस पे उसको इनवर्टेड शेप में ऐसे रख देते हैं, ठीक है। सो दे कंसिस्ट ऑफ द टू बाउल्स प्लेस्ड इनवर्टेड ऑन द बैलेंस, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। तो इसका हमें शेप पता चल गया, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर बियरिंग एरिया के बारे में हम पता करेंगे, क्योंकि जब स्लीपर है तो उसकी बेयरिंग एरिया के बारे में पता इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो आपका लोड है वो फाइनली इसी एरिया में क्या होता है, फर्दर डिवाइड होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो इफेक्टिव बेयरिंग एरिया कितना है, 0.232 स्क्वायर मीटर इज प्रोवाइडेड अंडर ईच रेल सपोर्ट। तो कितना बेयरिंग एरिया हम प्रोवाइड करेंगे, 0.232 स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसके बाद अब आगे थोड़ा सा उसका कॉम्बिनेशन देखते हैं। ऑन टॉप ऑफ द पॉट अ रेल शीट और अ चेयर इज प्रोवाइडेड टू होल्ड द फ्लैट फुटेड और बीएच रेल विद अ कैंट ऑफ 1:20, ठीक है। देखो पहले तो हमें पता चला उसका शेप, ठीक है, मतलब दो बाउल को हम बैलेंस्ट पे इन्वर्टेड शेप में रखेंगे। दूसरा उसका पता चला उसका बियरिंग एरिया, मतलब रेल सपोर्ट के नीचे उसका बियरिंग एरिया होना चाहिए 0.232 स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज है वो कैसे उसका कंपोनेंट्स, उसके कैसे हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं हम उस कंपोनेंट का, हम टॉप पे ऑन द टॉप ऑफ द पॉट अ रेल शीट और अ चेयर इज प्रोवाइड। अब चेयर को हम क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमको फ्लैट फुटेड रेल को क्या करना है, स्लीपर से अटैच करना है, तो उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, चेयर प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब हमारे पास दो तरह की रेल है, फुल हेडेड और फ्लैट फुटेड। अब उन दोनों को हम एक एक कांट उस पर मतलब स्लोप प्रोवाइड करेंगे, और वो स्लोप कितना होगा, 1:20, 1:20, ओके।
दूसरा पॉइंट होता है वेट, तो वेट कितना होना चाहिए स्लीपर का, 114 किलोग्राम, 114 kg. इट कैन बी यूज्ड ऑन द कर्व शार्पर देन 4 डिग्री ऑन ब्रॉड गेज. ठीक है, तो ये कितने कर्व पे हम यूज कर सकते हैं, 4 डिग्री. ठीक है, ऑन द ब्रॉड गेज. सो दिस शुड कंसिस्ट ऑफ 2 बॉल्स प्लेस इन्वर्टेड ऑन द बैलेस्ट. इफेक्टिव बियरिंग एरिया शुड बी 0.232 square meter. And the top of the pot, a rail sheet or a chair is provided to hold the flat-footed rail or BH rail with a cant of 1:20. Weight should be provided. It should be 114 kg and it can be used on the curve sharper than 4 degree on the broad. ठीक है? ये तो हो गया आपका pot और bowl sleeper के बारे में. ठीक है? अब इसका एक बार हम थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, इसे क्रॉस सेक्शन के बारे में देखते हैं. तो ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो कुछ ऐसा है. मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि 2 बाउल को हम इन्वर्टेड शेप में प्लेस करें. ठीक है, तो उसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू अगर हम बनाए पॉट स्लीपर का तो वो कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, उसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू कुछ ऐसा आएगा. आप देख सकते हैं कि ये आपका किस फॉर्म में है, ये आपका बाउल फॉर्म में है. किस फॉर्म में है, बॉल फॉर्म में है या तो कटोरे फॉर्म में है. और ये किस किस तरह रखा गया है, ये इन्वर्टेड शेप में रखा गया है. ये कैसे रखा गया, उल्टा रखा गया, इन्वर्टेड शेप में रखा गया. ठीक है, अब इस पे जो है रेल शीट को किससे कनेक्ट किया गया, चेयर से. देख लो, रेल शीट को किससे कनेक्ट किया गया, चेयर से कनेक्ट किया गया. और अदर फिक्चर कौन से है, की प्रोवाइड की गई. ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये है आपका रेल. ठीक है, ये है आपका रेल. इट इज अ फ्लैट फुटेड रेल. ठीक है, फ्लैट फुटेड रेल को हम यूज कर रहे हैं. ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल व्यू मैंने दिखाया है, ये किसका व्यू है, ये फ्लैट फुटेड रेल का है. तो हम फ्लैट फुटेड रेल को किस पे रख रहे हैं, फ्लैट फुटेड रेल. ठीक है, उसको किससे कनेक्ट करना है, स्लीपर से. ठीक है, किससे कनेक्ट करना है, स्लीपर से. ठीक है, और ये कौन सा स्लीपर है, ये स्लीपर है पॉट स्लीपर और बाउल स्लीपर. तो ये कैसा प्रोवाइड किया गया है, ये हमारे बैलेस्ट पे इसको इन्वर्टेड शेप में 2 बाउल को प्लेस किया गया है. ठीक है, आप उसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखो, 2 बाउल शेप को हमने ऐसे यहाँ पे प्लेस किया. ठीक है, हमने इस तरह के ऐसे इसको प्लेस किया. ठीक है, और इस फाइनली इस स्लीपर को रेल से हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कौन सा फिक्स्चर यूज करते हैं उसमें, चेयर्स का. कौन सा फिक्स्चर को यूज करते हैं, चेयर का. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ द पॉट स्लीपर एज वेल एज द लॉन्गिट्यूडनल व्यू ऑफ द पॉट स्लीपर. यू कैन सी इट थ्रू द डायग्राम्स. तो मैंने जो फिक्चर्स आपको लेक्चर 4 में सारे ट्रैक फास्टिंग के बारे में बताया था, उस ट्रैक फास्टिंग को भी आप यहाँ से देख सकते हैं. किस तरह से रेल शीट और चेयर का यूज होता है, क्वार्टर का कैसे यूज करते हैं, की का कैसे यूज करते हैं, क्लिप का कैसे यूज किया जाता है. ठीक है, बैलेंस के फॉर्मेशन कैसे हम देते हैं, राइट, वो उसका जो स्लोप है वो कितना होता है, 1:1 का होता है बोथ द साइड. ठीक है, उसका विड्थ कितना हुआ, 2.9 मीटर हुआ. ये हम इस डायग्राम से पूरा क्लियरली देख सकते हैं. ठीक है, अब दूसरा जो है वो क्या है, CST9. CST9 का मतलब हुआ सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल 9 स्लीपर. ठीक है, सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल 9 स्लीपर. अब CST स्लीपर क्या होते हैं, It is standardized by the track standard committee. ठीक है, इसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है, actually how it was derived, how this CST9 sleeper the name was derived, it is actually standardized by the track standard committee. ठीक है, जो track की जो standard committee है उसने इसको एक standard form को define किया है. ठीक है, इसीलिए इसका नाम है central standard trial 9 sleeper. It has a ट्राइंगुलर इन्वर्टेड पॉट. ठीक है, उसमें कौन सा पॉट था, वो था बाउल इन्वर्टेड. इसमें कौन सा पॉट है, इट इज ए ट्राइंगुलर इन्वर्टेड पॉट. ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, इट हैज अ ट्राइंगुलर इन्वर्टेड पॉट, ट्राइंगुलर इन्वर्टेड पॉट ऑन ईदर साइड ऑफ द रेल शीट, ऑन द ईदर साइड ऑफ द रेल शीट, राइट, ऑन द ईदर साइड ऑफ द रेल शीट अ प्लेट विथ प्रोजेक्टिंग रिब एंड अ बॉक्स ऑन द टॉप ऑफ द प्लेट, राइट.
सो ये है आपका CST-9 स्लीपर। अब मैं बताऊंगा CST-9 स्लीपर के बारे में थोड़ा सा और। CST-9 स्लीपर एक्चुअली ये नाम जो है ये आपका स्टैंडर्ड जो कमिटी होती है ट्रैक की, जो ये डिफाइन करती है कि किसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसने इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म को डिफाइन किया है जिसको हम सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल लाइन स्लीपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके शेप के बारे में आते हैं। तो ये जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, इट हैज अ ट्रायंगुलर इन्वर्टेड पॉड और ये इट इज प्रोवाइडेड ऑन द ईदर साइड ऑफ ऑन द रेल शीट। ठीक है, यू कैन सी थ्रू अ डायग्राम अ प्लेट विथ, यहाँ पे एक प्लेट है, अ प्रोजेक्टिंग विथ अ रिब एंड अ बॉक्स ऑन द टॉप ऑफ द प्लेट। ठीक है, आप आराम से इस डायग्राम से इस चीज को डिफाइन कर सकते हो। ये मैंने बोला था ट्रायंगुलर शेप में होता है, इन्वर्टेड फॉर्म में होता है। तो ये इन्वर्टेड फॉर्म में है, इट इज प्रोवाइडेड ऑन द ईदर पार्ट ऑफ द रेल सीट। तो लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट यू कैन चेक दैट बोथ द पार्ट हैज बीन प्रोवाइडेड विद दिस ऑन दिस रेल सीट। नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट अ प्लेट विद प्रोजेक्टिंग रिब, सो यू कैन सी हियर अ प्लेट विद प्रोजेक्टिंग रिब एंड अ बॉक्स ऑन द टॉप ऑफ द प्लेट हैज बीन प्रोवाइडेड एंड दिस इज नोन एज द CST-9 स्लीपर। ठीक है, और इसका विड्थ कितना होता है, इट इज 30 सेंटीमीटर, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम हियर। सो दिस इज एक्चुअली द क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ द CST-9 स्लीपर। और इसको हम अटैच कैसे करते हैं, माइल्ड स्टील की का हम यूज करते हैं और इसको इससे फिक्स करते हैं, क्योंकि हर स्लीपर को अटैच करना अलग अलग, उसमें फिक्चर्स को हम यूज करते हैं, कभी चेयर्स का यूज होता है, कभी कीज का यूज होता है, राइट। तो इस केस में हम किसका यूज करते हैं, हम इस केस में माइल्ड स्टील की का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया CST-9 स्लीपर। अब हमने क्रॉस सेक्शन तो देख लिया, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि उसका वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, CST-9 स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज वेट्स 103 kg। ठीक है, तो ब्रॉड गेज के लिए इसका वेट कितना होना चाहिए, 103 kg। ठीक, फॉर द ब्रॉड गेज द वेट शुड बी 103 kg। ठीक है, असेंबली मैंने आपको फिगर में दिखाया है, असेंबली ऐसे करते हैं इसकी। ठीक है, टाई बार इज फास्टेंड ऑन द टू द प्लेट बाय मींस ऑफ 4 standard quarters। और क्वार्टर्स कैसे यूज करते हैं, ये आप देख सकते हो, 4 standard quarter, राइट। 1 हियर यू कैन सी, आई विल शो यू द क्वार्टर, 1, 2, 3 and 4, 4 quarters। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है आपका बेसिकली टाई बार। तो टाई बार को हम कैसे इसमें फिक्स करेंगे, 4 quarters का यूज करेंगे। ठीक है, तो टाई बार इज फास्टेंड टू द प्लेट बाय मींस ऑफ 4 standard quarters। स्मॉल वेरिएशन इन गेज कैन बी करेक्टेड बाय दीज क्वार्टर्स। ठीक है, तो देखो डायग्राम को देखो फिर से एक बार। हमने पहले क्या किया, हमने एक ट्रायंगुलर इन्वर्टेड पॉट को ईदर साइड ऑफ द रेल सीट प्रोवाइड किया विद अ प्रोजेक्टिंग रिब एंड अ प्लेट एंड अ बॉक्स ऑन द टॉप ऑफ द प्लेट। ठीक है, फिर इसको हमने क्या प्रोवाइड किया, इसमें टाई बार को प्रोवाइड किया। और इस टाई बार को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, 4 quarters का प्रोवाइड करेंगे। और ये माइल्ड स्टील का बना होता है। और इस क्वार्टर का यूज क्या होता है, इस क्वार्टर का ये यूज होता है कि ये जो भी वेरिएशन होती है गेज में, स्मॉल वेरिएशन को क्या करता है, उसे करेक्ट करता है। ठीक है, तो द स्मॉल वेरिएशन इन द गेज इज करेक्टेड बाय यूजिंग दीज 4 quarters। ओके, नाउ द शेप ऑफ द कास्ट आयरन सपोर्ट इन सच अ वे टू प्रोवाइड स्टेबल बेस फॉर द रेल लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रैक। बहुत ही क्लियर है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो। माइल्ड स्टील 2-way key इज प्रोवाइडेड, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे दिखाया भी है। माइल्ड स्टील 2-way key को हम प्रोवाइड करते हैं, और की को क्यों प्रोवाइड करते हैं, की इज बीन प्रोवाइडेड टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द क्रीप। हियर यू कैन सी 2-way key 1 and 2, राइट। हियर यू कैन सी अ टाई बार, हियर यू कैन सी द क्वार्टर्स, here you can see inverted triangular pot, inverted triangular pot,
टाई बार को हम किससे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वार्टर से, चार क्वार्टर हमने यूज किया, माइल्ड स्टील, टू वे माइल्ड स्टील की का आपने यूज किया, ठीक है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन CST9 स्लीपर का है, ठीक है। और इसका वेट कितना होना चाहिए, ब्रॉड गेज के लिए 103 केजी होना चाहिए, राइट। रेल शीट को कितने कैंट पे प्रोवाइड करते हैं, 1:20, ठीक है, 1:20। और विथ कितना होगा ब्रॉड गेज के लिए, 11.4 सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया अभी डायग्राम में। रिजिड ट्रैक सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन अंडर मूविंग लोड विदाउट एनी डैम्पिंग और एब्जॉर्प्शन, एंड इट्स एंड इट इज सुटेबल फॉर द स्पीड अप टू 110 किलोमीटर पर आवर। तो इसका वेट 103 केजी है और ये कितने स्पीड के लिए सुटेबल है इस तरह के स्लीपर, 110 किलोमीटर। और कितने कैंट में प्रोवाइड करना है, 1:20। और ये कैंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, फॉर द इफेक्टिव ड्रेनेज। और ब्रॉड गेज के लिए इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें इसमें टाई बार को कैसे कनेक्ट करते हैं, 4 क्वार्टर्स का यूज करते हैं। और क्वार्टर का हम क्यों यूज करते हैं, टू करेक्ट द स्मॉल वेरिएशन इन द केज, ठीक है। और फाइनली हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, विद यूजिंग टू वे माइल्ड स्टील कीज, राइट। अब मेटल स्लीपर में देखते हैं हम स्टील स्लीपर्स के बारे में, ठीक है। स्टील स्लीपर के बारे में देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्क्रीट स्लीपर, राइट। तो स्टील स्लीपर बेसिकली क्या होता है, द वेरियस टाइप ऑफ द स्टील स्लीपर्स, की टाइप, क्लिप बोल्ट टाइप, सैडल और स्प्रिंग टाइप, ठीक है। की टाइप में दो तरह का होता है, लक्स और जॉ प्रेस्ड आउट ऑफ मेटल एंड विथ लूज लक्स और जॉज, ठीक है। जो स्टील स्लीपर है वो तीन तरह का होता है, पहला है की टाइप। की टाइप का फर्दर सब क्लासिफिकेशन है, अभी मैं इसका आपको फिगर भी क्रॉस सेक्शन भी दिखाऊंगा, लक्स और जॉ प्रेस्ड आउट ऑफ मेटल, और दूसरा है विथ लूज लक्स और जॉज, दूसरा है क्लिप बोल्ट टाइप, और तीसरा है सैडल और स्प्रिंग टाइप, ठीक है। अब हम फीचर्स के बारे में देखते हैं, स्टील स्लीपर के फीचर्स क्या होते हैं। अब तक हमने वुडन स्लीपर का देखा था, उसके बाद हमने मेटल स्लीपर का देखा, ठीक है। अब हम कास्ट आयरन और स्टील दो इसमें बेसिकली यूज होते हैं, जिसमें हम कास्ट आयरन का यूज ज्यादा करते हैं। उसके पांच डिफरेंट टाइप थे वो हमने देख लिया, जिसमें से हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इन्वर्टेड बॉल टाइप का, राइट। उसके बाद CST9 टाइप का, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टील स्लीपर के बारे में, ये भी एक मेटल स्लीपर का एक क्लासिफिकेशन है। तो इसमें तीन तरह के होते हैं, की टाइप, क्लिप बोल्ट टाइप एंड सैडल और स्प्रिंग टाइप। और फीचर्स देखते हैं, फीचर्स इसके ये हैं कि फास्टनिंग टू द स्लीपर्स आर लेस इन नंबर एंड सिंपल इन नेचर, ठीक है, पहला। दूसरा, गेज बाय यूज ऑफ स्टील स्लीपर कैन बी इजिली एडजस्टेड एंड मेंटेन। तीसरा है, लाइफ ऑफ स्लीपर इज मच मोर देन द वुडन स्लीपर। और चौथा है, कॉस्ट इज रिलेटिवली मोर देन द वुडन स्लीपर, ठीक है। तो इसके फीचर्स ये हैं कि जो इसमें जो फास्टनिंग हमको यूज करनी है इस स्लीपर्स को अटैच करने के लिए रेल से, जो ट्रैक फास्टनिंग का हम यूज करते हैं, तो इस केस में देयर आर लेस इन नंबर एंड आर वेरी सिंपल इन नेचर। दूसरा है, गेज By use of steel sleeper can be easily adjusted and maintained. तो जो गेज का मेंटेनेंस है, जो उसका यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना होता है, वो हम इस स्लीपर का यूज करके इजिली कर लेते हैं, ठीक है। जो स्लीपर की लाइफ है, वो लाइफ ऑफ स्लीपर इज मच मोर देन द वुडन स्लीपर। वुडन स्लीपर के कंपैरिजन में इसकी लाइफ काफी अच्छी होती है, लेकिन वुडन स्लीपर के कंपैरिजन में इसकी जो कॉस्ट है वो रिलेटिवली हाई है। So these are actually the features of the steel sleeper. Okay, thoda sa iska cross section dekhte hain. So this is actually your plan of your steel sleeper. Okay, here you can see the plan of the steel sleepers. This both of the part is your rail. Aur is rail mein humne isko connect kiya, sleeper ko connect kiya. जिसमें इसके विथ होता है 30.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम कितना स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं,
1:1 बोथ द साइड, ठीक है। और इसका प्लान में इसका जो मिडिल का विड्थ होता है वो 21.6 सेंटीमीटर। सो दिस इज एक्चुअली द प्लान एंड द क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ योर स्टील स्लीपर, ठीक है। तो स्टील स्लीपर की 2-3 एडवांटेजेस ये हैं कि ये जो है अगर हम इसकी बात करें कि उसकी लाइफ की, तो ये वुडन स्लीपर के कंपैरिजन में काफी अच्छा होता है, इसका ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इट। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी जो गेज की यूनिफॉर्मिटी है उसको मेंटेन करना इस स्लीपर के यूज के बाद काफी आसान हो जाता है। और तीसरी चीज आप देख सकते हैं कि जो इसकी रेल की फास्टिंग है वो फ्यू इन नंबर है, 1-2 यूज किया और वेरी सिंपल इन डिजाइन है, ठीक है, वेरी सिंपल इन डिजाइन। सो दिस इज एक्चुअली द फीचर्स एंड द क्रॉस सेक्शन पार्ट ऑफ द यू नो स्टील स्लीपर। अब हम तीसरे तरह की स्लीपर की बात करें, ठीक है। तो जब क्लासिफिकेशन हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्लीपर्स के, तो उसमें हमने अभी तक जो बात कर लिया है उसमें हमने क्या क्या बात कर लिया। हमने सबसे पहला बात किया वुडन स्लीपर, मैंने आपको पूरा बता दिया उसके बारे में, उसका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, राइट, उसकी वेट और हार्डनेस को, उसकी स्टेबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है, राइट। उसके बाद हमने देखा कि मेटल स्लीपर, तो मेटल स्लीपर में 2 मेटल्स का होता है बेसिकली, कास्ट आयरन और स्टील, तो कौन सा हम ज्यादा सुटेबल है हमारे लिए और क्यों वो ज्यादा सुटेबल है। उसके बाद कास्ट आयरन के कितने टाइप्स होते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, उसका प्लान व्यू क्या होता है, राइट, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर स्टील स्लीपर के बारे में भी हमने देख लिया, उसके फीचर क्या है, वुडन स्लीपर के कंपैरिजन में कुछ पॉइंट्स पे वो कैसे अच्छा है और कुछ पॉइंट्स पे कैसे उसके डिसएडवांटेजेस हैं और किस पॉइंट्स पे हम क्यों नहीं उसको यूज कर सकते, राइट। तो तीसरा जो स्लीपर है वो तीसरा मटेरियल है कॉन्क्रीट स्लीपर। लकड़ी देख लिया, डेट इज वुडन, मेटल देख लिया, अब हम देखेंगे कॉन्क्रीट स्लीपर। तो जब कॉन्क्रीट स्लीपर की बात होती है तो 2 तरह के कॉन्क्रीट स्लीपर बेसिकली हमारे सामने है। पहला है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लीपर, दूसरा है प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर, ठीक है। तो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लीपर और प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर, ठीक है। तो रीइंफोर्स्ड और प्री स्ट्रेस, इसके बारे में मैं डेफिनेशन में अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लीपर में हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और प्री स्ट्रेसिंग क्या होती है ये आप सबको पता है, थर्ड ईयर का पार्ट है कॉन्क्रीट का, जो डिटेल में आपको कंक्रीट स्ट्रक्चर में बताया गया है, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स जो कंक्रीट के हैं वो रीइंफोर्स कंक्रीट स्लीपर और प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर। अब जो आपका कंक्रीट मटेरियल है वो इज अ कॉल्ड एज एन आइडियल स्लीपर, और वो क्यों, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, बिकॉज दे मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग होमोजेनियस मटेरियल। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रॉन्ग होमोजेनियस मटेरियल का बना होता है। दूसरा, इम्परवियस टू इफेक्ट ऑफ द मॉइस्चर, अगेन इट इज इम्परवियस इन नेचर। तीसरा, अनअफेक्टेड बाय द केमिकल इफेक्ट, कोई इस पे केमिकल इफेक्ट का कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है, किसी भी एटमॉस्फेरिक, किसी भी तरह के एटमॉस्फेरिक गैसेस का या सॉल्ट का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तीसरा है, इजी टू मोल्ड इनटू रिक्वायर्ड शेप टू विदस्टैंड द स्ट्रेसेस डेवलप्ड बाय द मूविंग लोड, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी टू मोल्ड इनटू द रिक्वायर्ड शेप to withstand the stresses developed by the moving load. तो इसके जो कॉन्क्रीट को हम आइडियल स्लीपर क्यों कहते हैं उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला यह है कि ये होमोजीनियस मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। दूसरा, इम्परवियस इन नेचर है। तीसरा, केमिकल इफेक्ट से अनअफेक्टेड है। और चौथा, इजी टू मोल्ड इन एनी रिक्वायर्ड शेप एंड इट withstand the stresses developed by the moving loads, right? Now, this is your plan of the pre-stressed concrete sleeper. तो जो pre-stressed concrete sleeper होता है उसका जो plan है वो कुछ ऐसा है, right? This is your pre-stressed concrete sleeper actually. इसका cross section, इसको एक rail से कैसे connect करते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्क्रू को हम यूज करते हैं इसमें उसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको पहले ही कि जो रेल फास्टिंग है वो अलग अलग मटेरियल के लिए वैरी करती है,
ठीक है, अगर वुडन स्लीपर होगा तो उस केस में हम कौन से कीज का यूज करेंगे, अगर वो मेटल स्लीपर होगा तो उस केस में हम कौन से चेयर का यूज करेंगे, राइट। और अगर हमारे पास प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्लीपर होगा तो उस केस में हम कौन से यू नो स्क्रू का यूज करेंगे, राइट। सो दिस इज एक्चुअली योर डायग्राम, दिस शोज दैट वी यूज द स्क्रू स्ट्रट टाइप ऑफ द फास्टिंग इन दिस केस ऑफ द कॉन्क्रीट प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्लीपर, ठीक है। और वी ऑल्सो यूज द रबर पैड इन केस ऑफ इट, ठीक है। So this is your cross section. अब अगर इसका better picturization आपको देखना है तो here you can see this is your actually wooden sleeper, this is your pre-stressed concrete structure sleeper, this is your reinforced concrete sleeper, and these are your anchors. These are your anchor. Anchoring क्या होता है ये हमने आपको बताया, ठीक है। तो वुडन स्लीपर्स ये होते हैं, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्लीपर ये होता है, ये रीइंफोर्स कॉन्क्रीट स्लीपर है, और ये आपका एंकर्स, ठीक है। तो तीन तरह के जो स्लीपर है वो वुडन है, कॉन्क्रीट है, और मेटल है। आपका जो कॉन्क्रीट स्लीपर है वो आइडियल स्लीपर क्यों होता है, क्योंकि ये जो उसका मटेरियल है वो होमोजीनियस इन नेचर होता है, राइट, और इम्परवियस इन नेचर होता है, ओके। और इसकी जो फास्टनिंग है वो इजिली हो जाती है, सिंपल होती है, इजिली होती है, ओके। डिसएडवांटेज ये है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन एक पार्ट से दूसरा पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है और हेक्टिक है, राइट। सो दिस इज योर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर। नाउ वी विल सी द डिफरेंट कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्लीपर्स, ओके। So, I have told you about the wooden sleeper, cast iron sleeper, steel sleeper and concrete sleeper. अब हम क्या करेंगे इसके comparison को देखेंगे, कुछ points हैं इसके comparison। सबसे पहला point है cost per square। तो अगर wooden sleeper की बात करें उसका cost सबसे minimum, low। Cast iron sleeper it's minimum। स्टील स्लीपर इट्स हाई, एंड कॉन्क्रीट स्लीपर इट्स एक्चुअली डिपेंड अपॉन द डिजाइन एंड ऑन द रिक्वायर्ड शेप, ठीक है। तो कॉस्ट के मामले में सबसे सस्ता कौन सा पड़ा, वुडन स्लीपर। अब दूसरा हुआ लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन अगर हम देखें तो वुडन स्लीपर की क्या हुई, 10 टू 15 फॉर द अनट्रीटेड एंड 20 to 25 फॉर द ट्रीटेड। यहाँ ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ, applying the preservative or the preservation, that is kyanizing, kerosoting, etc. Cast iron sleeper का कितना life हुआ, 35 to 50। Steel sleeper again 35 to 50, and concrete sleeper it is the highest, that is from 40 to 60। तो अगर life span की बात करें तो उस case में concrete sleeper की life span highest होगी। और कॉस्ट के बारे में बात करें, कॉस्ट पर स्लीपर की बात करें तो वुडन स्लीपर की कॉस्ट सबसे मिनिमम, सबसे सस्ता जो है वो वुडन स्लीपर है, और सबसे ज्यादा दिन चलने वाला लाइफ जिसकी होती है वो कौन सा है, कॉन्क्रीट स्लीपर, इट इज अबाउट 40 to 60। अब हम वेट की बात करें, वेट पर स्लीपर फॉर द ब्रॉड गेज, तो वुडन स्लीपर में इट्स वेरी लो, कास्ट आयरन स्लीपर हैवी, steel sleeper it's medium, and concrete sleeper depends upon the design but heavier than the other. So again hum jab weight ki baat karenge, isliye maine aapko disadvantage bataya tha ki transportation part concrete sleeper mein kafi difficult ho jata hai. To agar hum weight ke bare mein baat karenge, weight per sleeper ke bare mein baat karenge, to aapka jo weight hai wo concrete sleeper ka heaviest hai in comparison to wooden, cast iron and steel sleeper. Ab chautha part hai maintenance cost, theek hai। तो मेंटेनेंस कॉस्ट की हम बात करें तो वुडन स्लीपर का हायर देन द अदर स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर मिनिमम, स्टील स्लीपर मॉडरेट एंड कंक्रीट स्लीपर मॉडरेट। तो अगर मेंटेनेंस की बात करेंगे तो वुडन स्लीपर का जो मेंटेनेंस है वो सबसे हाई, राइट। ओवरऑल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो
Wooden sleeper cheaper in the initial cost but expensive in long run, right? Costlier in first cost but cheaper in long run. This is same with the steel sleeper, and concrete sleeper is under train. Okay, so जो पांच पॉइंट हमने बात किया उसमें अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें, कॉस्ट पर स्लीपर के बारे में बात करें, तो सबसे सस्ता वुडन और महंगा जो है वो कौन सा है, स्टील स्लीपर। लाइफ के बारे में बात करें तो सबसे कम लाइफ किसकी है, वो है वुडन स्लीपर, और सबसे ज्यादा किसकी लाइफ है, वो है कॉन्क्रीट स्लीपर। वेट पर स्लीपर के बारे में बात करें तो सबसे हैवी कौन सा है, वो है कॉन्क्रीट, और सबसे हल्का कौन सा है, वो है वुडन स्लीपर। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो सबसे हायर मेंटेनेंस कॉस्ट किसका है, वो वुडन स्लीपर, और हाई किसका है, वो कॉन्क्रीट स्लीपर। ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो वो कॉस्ट एज ए स्लीपर का जो इनिशियल कॉस्ट है वो हैवी है, बट लॉन्ग रन में वो चीपर, और कॉन्क्रीट स्लीपर का इट इज अंडर द ट्रेन। ओके, नाउ अदर पॉइंट्स ऑफ द कंपैरिजन आर हैंड। तो अगर हम वुडन स्लीपर की बात करें तो नॉट लायबल टू ब्रेक अंडर रफ हैंड, ठीक है। तो अगर अगर हम बात करें हैंडलिंग के बारे में, ठीक है, तो आपका जो कास्ट आपका जो वुडन स्लीपर है इट इज नॉट ब्रेकन अंडर द रफ हैंड, राइट। लेकिन अगर हम कास्ट आयरन स्लीपर और स्टील स्लीपर की बात करें तो इट इज लायबल टू ब्रेक अंडर रफ हैंडलिंग, और आपका जो कॉन्क्रीट स्लीपर है विथ इंप्रूव डिजाइन नॉट लेबल टू ब्रेक। ओके, सो सी वंस अगेन, जस्ट वेट अ सेकेंड। So, पहला है वुडन स्लीपर, दूसरा है कास्ट आयरन स्लीपर, तीसरा है स्टील स्लीपर, और चौथा है कंक्रीट स्लीपर। तो दिस वन इज योर कास्ट आयरन पार्ट, दिस वन इज योर कास्ट आयरन पार्ट, ठीक है, दिस वन इज योर स्टील पार्ट, ये स्टील पार्ट है, और ये आपका वुडन कंक्रीट स्लीपर। तो आपका जो हैंडलिंग है उस केस में हम देख रहे हैं कि जो हैंडलिंग है वो वुडन स्लीपर में इट इज नॉट लायबल टू ब्रेक अंडर द रफ हैंडलिंग, बट कास्ट आयरन स्लीपर इज लायबल टू ब्रेक अंडर द रफ हैंडलिंग। अगेन स्टील स्लीपर इज नॉट लायबल टू ब्रेक इफ क्लिप बोल्ट्स आर यूज्ड, बट इफ वी विल टॉक अबाउट द कंक्रीट स्लीपर विद इंप्रूव डिजाइन नॉट लायबल टू ब्रेक। ओके, अब आते हैं ट्रैक फिटिंग के बारे में। ट्रैक फिटिंग में जो वुडन स्लीपर है इट रिक्वायर वेरी लेस फिटिंग्स, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड आई ऑलरेडी शोन यू यूजिंग द फिगर। रिक्वायर्स मोर फिटिंग, कास्ट आयरन में रिक्वायर्स मोर फिटिंग, अगेन स्टील स्लीपर रिक्वायर लेस फिटिंग, एंड कॉन्क्रीट ऑल्सो रिक्वायर लेस फिटिंग, ठीक है। इलास्टिसिटी वुडन की सबसे अच्छी होगी, द बेस्ट वन, कास्ट आयरन नॉट सो गुड, अगेन नॉट सो गुड, अगेन कॉन्क्रीट नॉट गुड। लेइंग एंड रीलेइंग की बात करें तो सबसे इजीएस्ट है वो वुडन है, डिफिकल्ट ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फिटिंग, क्योंकि मैंने बताया कास्ट आयरन रिक्वायर मोर फिटिंग। स्टील इजी ड्यू टू लाइट वेट, और कंक्रीट डिफिकल्ट बाय मैनुअल लेबर, इजी इफ मैकेनिकल डिवाइसेस आर यूज्ड, ठीक है। रिजिडिटी ऑफ द ट्रैक पुअर बोथ लैटरली एंड लॉन्गिट्यूडनली, cast iron better than the timber sleeper, steel better than the timber sleeper, and concrete best because of heavy dead weight. Suitability of the track, general suitable in all location except areas of vermins and white ants, especially suitable for the points, and no sting bridges, station yard and level crossing. So agar hum suitability ki baat kare to hamara jo वुडन स्लीपर है जनरली इट इज सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ लोकेशन, बस हमें एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि देयर इज नो अटैक ऑफ द वाइट एंट्स एंड द वर्मिंस देयर।
But अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो इट सुटेबल ओनली फॉर द स्टोन बैलेस्ट, अनसुटेबल इन द स्टेशन यार्ड. अगर हम स्टील की बात करें तो इट इज सुटेबल फॉर द स्टोन बैलेस्ट, अनसुटेबल फॉर द स्टेशन यार्ड एंड कोस्टल एरिया. और अगर हम कॉन्क्रीट स्लीपर की बात करें तो इट इज सुटेबल फॉर एनी लोकेशन ऑन द रेलवे ट्रैक. तो अगर हम हैंडलिंग की बात करें तो सबसे आसान होता है हैंडलिंग करना वो है वुडन स्लीपर. ट्रैक फिटिंग की बात करें तो सबसे कम ट्रैक फिटिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है वो वुडन स्लीपर के केस में है. सबसे अच्छी इलास्टिसिटी वो वुडन की है. ले और रिले जो करना है वो सबसे इजीएस्ट अगेन वुडन की है. रिजिडिटी बेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा रिजिड जो है वो कॉन्क्रीट स्लीपर है. और जो सुटेबिलिटी है वो सबसे अच्छी सुटेबिलिटी कॉन्क्रीट की है. इट कैन बी यूज एट एनी लोकेशन ऑन द रेलवे. अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट्स को देखेंगे. स्क्रैप वैल्यू की अगर बात करें तो वुडन स्लीपर में मिनिमम लिटिल है, ठीक है. अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो हाईएस्ट, और स्टील में नेक्स्ट टू कास्ट आयरन, एंड सबसे मिनिमम निल कह सकते हैं वो है हमारा कॉन्क्रीट स्लीपर. गेज डज नॉट मेंटेन द प्रॉपर गेज, और कास्ट आयरन स्लाइट प्ले इन गेज ड्यू टू प्ले इन द बार एंड सॉकेट. It was for the cast iron. Steel sleeper may maintain the proper gauge, and for the concrete, it depends on the design. Improved design maintain the proper gauge. Renewal में अगर wooden का सबसे easy है, और other जो three हैं हमारे cast iron, steel और concrete, उसका difficult हो जाएगा. Gauge का जो adjustment है वो गेज का जो हमारा एडजस्टमेंट है वो हमारा इस केस में वुडन स्लीपर में डिफिकल्ट है, लेकिन स्टील में, कास्ट आयरन में और कंक्रीट में इजी है, राइट. क्रीप में अगर हम क्रीप की बात करें तो हमारा वुडन स्लीपर के केस में वो काफी ज्यादा होता है, हैवी होता है. सो इस केस को मिनिमाइज करने के लिए एंकर्स आर वेरी नेसेसरी इन द लार्ज नंबर, ठीक है. उसके बाद आपके अगर हम कास्ट आयरन की बात करें, फिटिंग फंक्शन सच एज क्रीप फंक्शन एज अ क्रीप एंकर, फिटिंग फंक्शन एज अ क्रीप एंकर रिक्वायर कांस्टेंट अटेंशन इन सीएसटी 9 स्लीपर. और स्टील में नो डिफिकल्टी इन क्लिप एंड बोल्ट, एंड नो एंकर इज नेसेसरी फॉर द कंक्रीट स्लीपर. तो स्क्रैप वैल्यू किसकी हाई है, वो हमारे कास्ट आयरन की हाईएस्ट है. गेज सबसे अच्छा मेंटेन किस में होता है, वो स्टील में. रिन्यूएबल सबसे इजी किसका है, वो है हमारा वुडन. केस का एडजस्टमेंट सबसे डिफिकल्ट किसका है, वो है वुडन का. और इजी किसका है, अदर थ्री, मतलब कास्ट आयरन, स्टील एंड कंक्रीट. और क्रीप सबसे ज्यादा हैवी क्रीप किस में है, वो है वुडन में. और क्या प्रोवाइड करते हैं, एंकर्स, ठीक है. और किस में एंकर जरूरत नहीं है, वो है कंक्रीट. Now the other term and the last terminology about the sleeper is it's the edging of the sleeper. So we'll talk about the edging of the sleeper. Now the question start with what is the edging of the sleeper? Edging ka matlab kya hota hai? Okay, maine aapko coning bataya tha, coning of wheel. कोनिंग ऑफ व्हील में मैंने क्या बताया, कोनिंग ऑफ व्हील में मैंने आपको बताया था कि जो व्हील के फ्लेंजेस हैं वो फ्लैट नहीं होते, ठीक है. वी प्रोवाइडेड यूजिंग अ स्लोप ऑफ 1:20. नाउ हम क्या करते हैं कि आपके रेल में एक स्लोप प्रोवाइड करना होता है कितने का, 1:20, ठीक है. तो उस केस में हम स्लीपर्स को क्या करते हैं, 1:20 का स्लोप प्रोवाइड करते हैं, एडजेक्ट कर देते हैं और उसको हम रेल सीट से कनेक्ट, राइट. सो उसी को हम कहते हैं एडजिंग. सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इनवर्ट स्लोप ऑफ 1:20 फॉर द रेल, स्लीपर्स आर एडजेक्ट टू फॉर्म अ टेबल एट द स्लोप एट द रेल सीट, एंड दिस इज नोन एज एडजिंग, ठीक है. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडजिंग. तो एजिंग का मतलब ये हुआ कि रेल शीट पे 1:20 स्लोप को प्रोवाइड करने के लिए हम अपने वुडन स्लीपर को 1:20
स्लोप को ऑलरेडी प्रोवाइड कर देते हैं और फिर रेल सीट पे उसको हम प्रोवाइड करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एचिंग. सो फॉर द स्मूथ एंड कंफर्टेबल जर्नी एचिंग, एक्यूरेट एचिंग इज रिक्वायर्ड. हियर यू कैन सी द वुडन स्लीपर एंड हियर यू कैन सी अ स्लोप ऑफ 1:20 एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एचिंग. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एचिंग. तो हमारे वुडन स्लीपर में रेल शीट को 1:20 स्लोप प्रोवाइड करने के लिए हम ऑलरेडी स्लीपर को एक 1:20 का स्लोप प्रोवाइड करते हैं और देन रेल शीट से कनेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं एचिंग. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्लीपर. इट ऑल स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ले दिखा, देन इट वाज फॉलोड बाय द फंक्शन ऑफ द स्लीपर, देन व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्लीपर, देन द क्लासिफिकेशन व्हिच वाज डिवाइडेड इनटू वुडन स्लीपर. वुडन स्लीपर में फर्दर टर्मिनोलॉजी वाज कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, दैट इज CSI, देन द ट्रीटमेंट ऑफ द वुडन स्लीपर, देन द सेकंड वन वाज द मेटल स्लीपर व्हिच वाज फॉलोड बाय द फाइव डिफरेंट सब क्लासिफिकेशन, दैट वाज पॉड और बॉल स्लीपर and CST9 sleeper. Then the metal sleeper was divided into steel and cast iron. Then we looked towards the steel sleepers. Then third one was your concrete sleeper. Then we have also a comparison of different types of sleepers in detail for the 17 different technical points. Then the next part was your edging of the sleeper. So this is all about your sleepers. In next lecture, we'll start with the ballast. Okay. So thank you so much for listening my lecture very patiently. If you have any query, you can write it to me at ankur495@big.ac.in. Thank you. Have a good day. Thank you so much. Thank you, class.